What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 18 मार्च 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:14 हो रहा है, तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल निफ्टी इंडेक्स ने एक रिकवरी करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए लाल निशान में, तो उसकी रिएक्शन हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिली और फिर से एक बार लाल कैंडल हमें डेली चार्ट में बनते हुए नजर आई। काफी टेंशन भरा माहौल है अभी इंडिया में। देखे तो लगभग सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, मॉल बंद है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है कम्प्लीटली, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा केयर ले, भीड़ वाली जगह पर ना जाए, हो सके तो ट्रैवल ना करें और घर से ही काम करने की कोशिश करें। कुछ आने वाले दिन काफ़ी अहम है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको अगर 10 दिन में कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे के लिए अच्छा होगा, मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए और सभी के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी इन टेंस सिचुएशन में क्या निफ्टी में आज इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 17 मार्च आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। कल भी काफ़ी वोलेटाइल थी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की वोलेटाइलिटी मार्केट में देखने को मिली थी। यह जो ब्रेकडाउन लेवल हमने कल मार्क किया था 9128, इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के बीच में, और जैसे टुवर्ड साउथ की तरफ आया ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 9042 अचीव्ड हुआ, जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल भी था। यहाँ पर ही एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक रिकवरी यहाँ से देखा करने की कोशिश की, और जैसे ही ऊपर आया तो ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, पेनेट्रेट हुआ ये लेवल काफ़ी देर तक, और यहाँ से जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ ये फिर से मूव हुआ तो फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट 8945 ये फिर से अचीव हुआ, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया। काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल भी साबित हुए, तो हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये जो 8967 ये जो कल का क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 61.8% का जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था इसी के पास ये क्लोज हुआ है। तो ये कल का एक रिव्यू था। अगर ट्रेड करने का मौका मिलता तो 73 पॉइंट्स का यहाँ पर मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 54,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में भी एक रिकवरी की कोशिश देखने को मिली, नासडैक करीब 430 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लगभग सभी हरे निशान में बंद हुए, जर्मन मार्केट हो, फ्रांस मार्केट हो या फिर इंग्लैंड का मार्केट हो। तो एशियाई बाजार आज SGX निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। जापानी इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर देखे अभी तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल बाजार यहाँ से उभरते हुए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से एक रिकवरी फेज यहाँ पर देखने को मिले। आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। यह मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अभी यहाँ पर जो सपोर्ट बना हुआ है वो 100 EMA के पास बना हुआ है। यह यहाँ पर 61.8% का जो लेवल था 8966, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये कल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीन सपोर्ट के पॉइंट्स है, एक 100 EMA है, एक 61.8% का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, और पास्ट में यहाँ पर इसने ये ऐसे दो बार यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया था रेजिस्टेंस। तो अभी ये रेजिस्टेंस आगे जाके फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये काफ़ी मेजर अभी सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है, अगर और निगेटिव खबरें आती है कोरोना वायरस की, तो यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। एक छोटा सा माइनर सपोर्ट होगा यहाँ पर, जहाँ पर इसने एक स्विंग लो बना के बाउंस बैक दिखाया था, वो भी अराउंड 76.4% का लेवल उसी के पास आ रहा है 8150 के पास। तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो लास्ट 8150 का एक सपोर्ट होगा, माइनर सपोर्ट।
तो वो ब्रेक करने के बाद 6825 तक निफ्टी हमें यहाँ से मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आने वाले 10-15 दिनों में अगर कुछ स्थिति अच्छी बनती है तो ये मेजर सपोर्ट होगा। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बनाकर, ये ऐसे एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर बनकर एक फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ये काफी क्रुशियल सपोर्ट है। तो ये था मंथली चार्ट का सिनेरियो। वीकली चार्ट में लास्ट वीक का कैंडल देखे तो बॉटम से जबरदस्त रिकवरी आई थी, यानी यहाँ पर इस लेवल के पास काफी सारे बायर्स रेडी है, तो ये लेवल सपोर्ट के लिए काफी क्रूशियल हो जाता हैमर बना है। तो सेंटिमेंट्स ये है कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है, अभी दुनिया रेडी है इस कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट करने के लिए। तो यहाँ से रिकवरी देखने के लिए अंदाजा है कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर काफी वर्स कंडीशंस बनती है, अभी भी काफी सारे लोगों को इसका सीरियसनेस पता नहीं है, तो ये अगर सिचुएशन और टेंस बनती है तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है। तो लेवल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर बनाइए। ये जो लेवल्स थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल डेली चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिल सकती है। 23.6% का यहाँ पर सपोर्ट लिया था कुछ दिन, फिर उसके बाद 38.2%, फिर 50% का यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और 50 जैसे ही ब्रेक किया तो ये तेजी से नीचे आया था 61.8% के यहाँ पर। अभी ये यहाँ पर इसने पॉज लेके रखा हुआ, तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हो रहे हैं, तो इसके मुताबिक हम अपना प्लान, ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को RSI में, ये देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड और ये राइट शोल्डर, तो इसका नेक लाइन का ये जो ब्रेक डाउन मिला था यहाँ पर, उसके बाद तेजी से ये नीचे आगे आ चुका है। तो ये पैटर्न होता है ट्रेंड रिवर्सल का, बुलिश टू बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ऐसे पैटर्न आने के बाद ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये प्रोबेबिलिटीज होती है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है ये पैटर्न आने के बाद हमें टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग भी चल रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसी के हाई और लो के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो इसका हाई का लेवल और इसके लो का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ये काम कर सकता है, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग भी आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल टेंस है माहौल, तो लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल का ये जो लो है यानी ऑलमोस्ट 8912 के नीचे अगर ये चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8815, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8712, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है, जहाँ पर कल ये जो फर्स्ट आर का ये जो कैंडल है इसने काफी लंबा टेल छोड़ दिया था, यानी बॉटम से ये रिकवर हुआ था, तो इसका बॉटम पिवट पॉइंट के लेवल के पास बन रहा है। तो 9096 हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल आज के लिए, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9156, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9218, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।